अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर 8 का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि बफर सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, एसिडिक बेसिक बफर के बारे में देखेंगे, और बफर किस तरह काम करता है, क्यों ज़रूरत पेश आती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बफर को ओवरऑल हम सारे को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो बफर सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट इन चेंज ऑफ पीएच। ठीक है जी, मतलब वो सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट करता है उसकी अपनी पीएच के चेंज में ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आ बेस। हम एसिड या बेस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होता है, उसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाती है, या तो पीएच बढ़ जाती है या पीएच कम हो जाती है। जब हम एसिड को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पीएच कम हो जाती है, और अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो डेफिनेटली पीएच की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं दैट रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच। ठीक है जी, कि उसकी वो अपनी पीएच के अंदर अगर चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा होगा, उसको मुजाहमत कर रहा होगा, अपनी पीएच की चेंज को कम कर रहा होगा, तो इन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पर भी उसकी पीएच के अंदर चेंज नहीं आता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन जो है वो कहते हैं। ठीक है जी, और हर एक बफर सॉल्यूशन की एक खास पीएच होती है। जैसे लेट्स से मैं कह देता हूँ कि सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर सॉल्यूशन, वो हम देखते हैं कि कैसे एसिडिक और बेसिक बफर जो है वो तैयार करते हैं। तो वो जो बफर हम तैयार कर रहे होते हैं सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का, तो वो जो बफर है वो 4.74 पीएच का होता है, और उसके अंदर हम एसिड और बेस कोई भी थोड़ी मिकदार के अंदर ऐड करते हैं। तो अगर आम सॉल्यूशन के अंदर हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो पीएच के अंदर ज़्यादा चेंज आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत माइन्यूट यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है वो चेंज आता है, तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं, फिर उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले टाइप्स को देखते हैं, तो टाइप्स हमारे पास दो हैं इसकी। हमारे पास इसकी जो टाइप्स है वो है एसिडिक बफर, ठीक है जी, एसिडिक बफर है हमारे पास, और दूसरा जो है वो बेसिक बफर जो है हम इसको देखेंगे। ठीक है जी, एसिडिक बफर को देखेंगे और बेसिक बफर को देखेंगे। तो एसिडिक बफर जो है हमने जो इसके अंदर इस्तेमाल करना है, एसिडिक बफर के अंदर, तो एसिडिक के अंदर डेफिनेटली एसिड हमने इस्तेमाल करना है, और बेसिक के अंदर बेस को इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर जो एसिड इस्तेमाल करना है वो हमने वीक एसिड जो है इस्तेमाल करना है, वीक एसिड इसके अंदर इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर हमने फिर क्या इस्तेमाल करना होगा, वीक बेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो एसिडिक बफर के अंदर हमने एसिड इस्तेमाल करना है और बेसिक बफर के अंदर हमने बेस को इस्तेमाल करना है, लेकिन जो हमने प्योर चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको हमने वीक इस्तेमाल करना है, और जो साल्ट हमने इस्तेमाल करना है वो स्ट्रांग इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हमने वीक एसिड हमने क्या ले लिया है, वीक एसिड ले लिया, लेकिन प्लस साल्ट हमने कौन सा लेना है, साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस। क्लियर हो जाएगी बात। तो एसिडिक बफर है तो डेफिनेटली एसिड हमने इसके अंदर लेना है, साल्ट क्योंकि न्यूट्रल होता है तो उसकी वजह से हम नहीं बता पाएंगे कि एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, हमने मेन जो है वीक या जो वीक जो चीज ले रहे हैं उसकी बेस पर हमने बताना है। तो अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं तो एसिडिक बफर है, और अगर हम वीक बेस ले रहे हैं तो बेसिक बफर होगा, और साथ में हमने वीक एसिड के क्या लेना है, साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस, और वीक बेस के हमने क्या लेना है, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड लेना है। ठीक है जी, तो प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हम दो बफर जो है वो हमने तैयार कर लिए हैं, वीक एसिड वाला एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर के अंदर वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और बेसिक बफर के अंदर वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि एसिडिक बफर जो है वो वीक एसिड लेट्स से मैं ले लेता हूं कि हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है जी, और जब ये आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा,
एसीटेट आयन और साथ में हाइड्रोजन आयन बना देगा। और दूसरा हमारे पास साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का हमने साल्ट लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एसीटेट आयन, और साथ में हमने बेस का स्ट्रॉन्ग साल्ट ले लिया है, ठीक है जी। तो जब ये आयनाइज होगा तो डेफिनेटली क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव जो है वो बना देगा। अब Na पॉजिटिव जो है निकला है NaOH से, और वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट बन गया है। क्लियर हो जी की बात। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक बफर जो है, वीक बेस हमने इस्तेमाल करना है, तो वीक बेस लेट से मैं कह देता हूं कि NH4OH, ये हमने कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर भी देखा था कि ये वीक था, ठीक है जी। तो ये जो वीक है, अब इसको जब आयनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव जो है बना देगा। और साथ में हम इस्तेमाल कर लेते हैं साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का, Cl नेगेटिव जो है HCl से निकलता है और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने क्या ले लिया है, साल्ट ले लिया है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस जो है वो Cl नेगेटिव जो है वो बना देगा। अब यहां पर ये हमने देख लिया है, अब डेफिनेटली इसकी खास जो है पीएच होगी, और पीएच जो है वो हम बता सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एसिड वाला हमने बफर लिया है, एसिडिक बफर लिया है, तो चाहे इसके अंदर साल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस का है, लेकिन वो साल्ट तो न्यूट्रल होता है, तो साल्ट न्यूट्रल होने की वजह से वो पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मेन जो इफेक्ट करना है वो एसिड नहीं करना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच जो है वो 7 से कम होगी। और यहां पर क्या होगा कि साल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेन जो चीज है वो बेस की वजह से होगा, और बेस की वजह से पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगी। एक के अंदर जो एसिडिक बफर है उसकी 7 से पीएच कम होगी, और इसके अंदर 7 से क्या होगी, ज्यादा पीएच जो है वो होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है हमारे पास एसिडिक बफर और बेसिक बफर, जो हमने टाइप्स जो है वो देखनी थी। अब जो है वो हम देखते हैं कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर जो है हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हम जानते हैं कि जो ब्लड है उसकी नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 से समथिंग होती है, ठीक है जी। अगर पीएच जो है थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो क्या होगा कि जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आयोनाइजेशन स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन मेनली कैरी कर रहा होता है, तो वो हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है जी, और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन अगर कैरी नहीं कर पा रहा तो हम खुराक को तोड़ नहीं पाएंगे, और अगर खुराक नहीं टूटेगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमें एनर्जी हासिल नहीं होगी, और एनर्जी हासिल नहीं होगी तो डेफिनेटली इवेंचुअली क्या होगा, डेथ ही काज हो सकती है। तो यहाँ पर जो बफर है, बफर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत एसिड या बेस की मिकदार आ गई है तो उसकी वजह से पीएच पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ठीक है जी। तो पीएच को ज़्यादा इफेक्ट ना देने के लिए हम बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमने ब्लड की बात की है कि अगर पीएच चेंज हो गई तो डेफिनेटली ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बफर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने ज़रूरत पड़ ली, ठीक है जी। तो सेकंड बफर सॉल्यूशन हमने डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को देखा, एसिडिक और बेसिक बफर, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि वाई बफर, वाई वी नीड बफर, वाई वी नीड बफर। क्लियर हो जी की बात। तो ये हमने देख लिया, उसके बाद हमने देखना है कि हाउ बफर एक्ट, ये यहाँ पर लिखते हैं ताकि ये जो बफर मैंने लिखे एसिडिक और बफर और बेसिक बफर, उसके लिहाज से ही हम इसको एक्सप्लेन कर पाएं। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज, हाउ बफर एक्ट, बफर काम कैसे करता है, उसकी पीए जो है इतनी ज़्यादा चेंज क्यों नहीं होती, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर के अंदर देखते हैं कि क्यों इसकी पीएच जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती। अगर हम इसके अंदर एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं तो क्या अफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली जब हम क्या कर रहे होंगे, एसिड ऐड कर रहे होंगे, क्या चीज़ ऐड करते हैं, एसिड। अब यहाँ पर एसिड जब ऐड करते हैं और दूसरी चीज़ हम क्या ऐड कर सकते हैं, बेस। तो एसिड जब ऐड करेंगे तो एसिड जो है वो क्या देगा हमारे पास, एच पॉजिटिव आयन, और जो बेस है वो क्या देगा, OH नेगेटिव आयन। ये हमने आर्हेनियस के नज़रिए बता दी देख रखा है कि आर्हेनियस का नज़रिया क्या कहता है कि जब कोई स्पीशी हाइड्रोजन आयन दे रहा होता है तो उसे हम एसिड कहते हैं, और जब हाइड्रोक्सल आयन दे रहा होता है तो उसे हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देगा और बेस जो है वो हाइड्रोक्सल आयन देगा। अब एसिड या बेस के ऐड करने की वजह से उसकी पीएच जो है वो चेंज नहीं होती, वो हमने देखना है कैसे। जब एसिड हम ऐड करते हैं, एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है जी, फिर बेस की भी बात करेंगे, बेस के अंदर भी एसिड और बेस दोनों ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब एसिड ऐड करते हैं तो एच पॉजिटिव आयन कर रहे हैं,
तो H पॉजिटिव जब ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव की वजह से क्या होगा कि H पॉजिटिव दोनों की मिकदार जो है वो सेम हो गई है और कॉमन आयन आने की वजह से अब इसकी मिकदार जो है वो बढ़ चुकी है। और अगर इसकी मिकदार जो है वो बढ़ चुकी है तो डेफिनेटली इसने कहाँ जाना है, रिवर्स वाली डायरेक्शन के अंदर जाना है। लेकिन ये है हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड का मतलब है कि बहुत कम आयनाइज होता है, ये बहुत कम आगे जो है एच पॉजिटिव आयन देता है। अगर लेट से मैं कहता हूं कि ये 20,000 मॉलिक्यूल्स है और 20,000 के अंदर से सिर्फ 2 या 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे दे रहे हैं, तो पीछे कितने बचे हैं, 19,998 मॉलिक्यूल्स बच चुके हैं, सिर्फ आगे कितने आए हैं, 2। अगर वो जो 2 आए हैं वो वापस अगर चले जाते हैं हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से ये वापस चले गए हैं, तो इसकी आयनाइजेशन पर इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो पीएच पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो एसिड ऐड करने की वजह से हुआ क्या है, वीक एसिड की आयनाइजेशन सप्रेस हुई है और वीक एसिड ज्यादा आयनाइज हुआ ही नहीं था तो उसकी सप्रेस होने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहां पर एसिड ऐड करने से जो पीएच है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब हम बेस ऐड करते हैं तो बेस जो है हमें क्या देता है, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव जो है यहां पर मेन स्पीशीज जो है वो क्या है, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा हमारे पास, यहां पर H पॉजिटिव के साथ मिलकर वाटर बना देगा, और वाटर वैसे न्यूट्रल होता है और अगर न्यूट्रल कोई स्पीशी बन रही है तो उसकी वजह से कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर H पॉजिटिव जब ऐड करते हैं तो ये CH3COOH नेगेटिव के साथ मिलकर और क्या बना देता है, CH3COOH बना देता है। ये क्या है हमारे पास, वीक एसिड है। वीक एसिड की वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा पीएच पर इफेक्ट नहीं करवाता। और दूसरा, जब बेस ऐड करते हैं OH नेगेटिव देता है और OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलकर वाटर बना देता है और वाटर वैसे ही न्यूट्रल है तो वो पीएच पर इफेक्ट करेगा ही नहीं। क्लियर हो जी की बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया है कि एसिडिक बफर, जब हमने एसिड ऐड किया है और बेस ऐड किया है। अब हम बात करते हैं बेसिक बफर की, उसके अंदर भी हम दोनों चीजें ऐड करके देखते हैं कि जब हम एसिड ऐड करते हैं तो क्या होता है और जब हम बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है। तो देख लेते हैं, जब एसिड ऐड करते हैं तो हमें पता है कि एसिड जो है वो क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन देता है और बेस जो है वो क्या देता है, OH नेगेटिव आयन देता है। तो जब एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके, OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल। और इसकी वजह से तो पीएच पर चेंज इफेक्ट पड़ना ही नहीं है क्योंकि वाटर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल स्पीशी बन रही है, तो न्यूट्रल स्पीशी के बनने की वजह से ना पीएच पर इफेक्ट पड़ेगा, ना वो ज्यादा होगी ना कम होगी। फिर उसके बाद जो है दूसरी स्पीशी को अगर हम देखें तो OH नेगेटिव है और OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव अगर दोनों चीजें कॉमन आयन आ गया जिसकी वजह से कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ चुकी है तो रिएक्शन ने बैकवर्ड जाना है, रिवर्स में जाना है। और अगर हम देखें तो NH4OH जो है वो वीक बेस है और वीक बेस होने की वजह से लेट से मैं कहता हूं कि 20,000 मॉलिक्यूल थे उसमें से 2 मॉलिक्यूल जो है वो आगे गए थे, ठीक है जी, पीछे 19,998 मॉलिक्यूल पीछे पड़े थे। अब 2 मॉलिक्यूल अगर वापस भी चले जाते हैं तो इसकी आयनाइजेशन पर या इसकी पीएच पर इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल थे ना, तो 2 मॉलिक्यूल की वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली ये जो OH है ये NH4 पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा, NH4OH जो है वो बना देगा और जिसकी वजह से पीएच पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह क्या होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर जो है वो काम करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि एसिड ऐड कर दो या बेस ऐड कर दो, दोनों की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा जो है वो पीएच पर, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट पीएच की जो है वो चेंज नहीं होती, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं उसको, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत कम हो रही है, यहाँ पर तो होती नहीं है क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी बन रही है, यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशी बन रही है होगी नहीं, तो यहाँ पर भी बहुत कम होगी, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड या वीक बेस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर हो जी की बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर का काम बता सकते हैं कि किस तरह वो जो है बफर एक्शन जो है उसका होता है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि ये जो बफर सॉल्यूशन है उसकी हम पीएच जो है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बफर सॉल्यूशन है हमारे पास उसकी पीएच जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अब हम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है इस मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, लेट्स से हम एसिडिक बफर ले लेते हैं और उसकी पीएच जो है मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एसिडिक बफर जो है उसके अंदर वीक एसिड होगा, एच ए कह देते हैं, और जब ये आयोनाइज होगा तो एच ए एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ पर जो साल्ट होगा एन ए ए हम कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एन ए पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, ए नेगेटिव बन जाएगा।
तो यहाँ पर लेट्स से मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो के सी जो है वो क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम ऊपर रखते हैं तो एच पॉजिटिव और ए एन नेगेटिव जो है ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा एच ए, ठीक है जी। और यहाँ पर करता क्या हूँ, मैंने हाइड्रोजन आयन की, क्योंकि पीएच मालूम करनी है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ये जो एच ए है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए लेट से मैं कह देता हूँ क्योंकि एसिड के लिए है के सी, तो एच ए ओवर क्या आ जाएगा ए नेगेटिव जो है हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है इसके डिवाइड में चली जाएगी। तो अब हम करते क्या हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है जी। तो लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का लॉग ले लेते हैं, तो दोनों साइड का लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट से मैं कहता हूं कि ये आ जाएगा लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और ये आ जाएगा लॉग के ए एच ए की कंसंट्रेशन और ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और हमें पता है कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम लॉग के अंदर प्लस में लिख देते हैं और जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसको हम माइनस में लिख देते हैं। यहाँ पर जस्ट हमने मल्टीप्लाई वाली देखनी है कि ये जो के ए है ये पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एच पॉजिटिव, ठीक है जी, और ये आ जाएगा लॉग के ए प्लस लॉग एच ए ओवर क्या आ जाएगा ए नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, टेकिंग नेगेटिव या मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है जी, माइनस लॉग ऑफ किस चीज़ की आ जाएगी के ए, ठीक है जी, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉग एच ए ओवर क्या आ जाएगा ए नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, नेगेटिव हमने सबका लॉग ले लिया है, तो नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम क्या कह सकते हैं पी एच, और नेगेटिव लॉग ऑफ के ए जो है वो क्या आ जाएगा पी के ए आ जाएगा। नेगेटिव लॉग को हम स्मॉल पी से जाहिर करते हैं, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर पी लिख दिया और यहाँ पर भी क्या लिख दिया पी लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ, अब एच ए जो है हमारे पास किस चीज़ की कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी एसिड की कंसंट्रेशन, और ए नेगेटिव जो है वो हमारे पास किस चीज़ की कंसंट्रेशन होगी। अब हमारे पास दो जो चीज़ें हैं, दो से पीछे एसिड भी और साल्ट भी, दोनों चीज़ें जो है वो ए नेगेटिव बना रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिड जो है वो वीक एसिड है, वीक एसिड होने की वजह से ये ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ए की नहीं दे रहा होगा, मेनली जो एक नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन आ रही है वो साल्ट की वजह से आ रही है। तो यहाँ पर ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, साल्ट प्लस एसिड नहीं लिखेंगे, सिर्फ साल्ट लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट जो है वो किस चीज़ की वजह से आ रही है, साल्ट की वजह से आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो लिख देते हैं। और अगर हमने यहाँ पर इसको प्लस में करना है तो पी के ए प्लस लॉग अगर हमने करना है तो साल्ट जो है वो ऊपर रख देंगे, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो कर देंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि पीएच जो है वो मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी सारे जो सॉल्यूशन हैं या जो काफ़ी सारे बफर हैं उनकी हम पीएच जो है वो मालूम करते हैं, और बेस्ट तरीका जो है वो पीएच मालूम करने का। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पीएच जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, ये जो पीएच है ये एक तो पी के ए पर डिपेंड कर रही है कि पी के ए की वैल्यू क्या होगी उसके लिहाज से हम पी के पीएच की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, और दूसरा जो है लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन जो है उस पर भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है जी, अगर वो चेंज होती है तो डेफिनेटली पीएच की वैल्यू चेंज होती है। अब बेस्ट तरीका जो है वो मालूम करने का पीएच वो ये है कि जब हम क्या करते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या कर देते हैं इक्वल कर देते हैं। साल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल करने से होगा क्या, इस क्वांटिटी को हम देखते हैं, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर क्या है हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन है। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेट से पाँच पाँच कर देते हैं, ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ पाँच बटा पाँच आ जाएगा कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वन आ जाएगा, और लॉग ऑफ वन किस चीज़ के इक्वल होता है जीरो के, ठीक है जी। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी जो है वो जीरो के इक्वल आ गई है तो पी के पी एच जो है वो पी के ए प्लस क्या आ जाएगा जीरो,
तो पीएच जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, पी के ए के। तो इस तरह हम क्या करते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी नॉर्मल उसके पॉइंट के अंदर। ठीक है जी, तो मतलब हम करते क्या है, एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन को इक्वल करके और मालूम कर लेते हैं कि पी के की तो वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो हमें पता होती है। ठीक है जी, तो उसके लिहाज से हम पीएच की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट से वो कहता है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि जो सोडियम एसीटेट जो हमने बनाया था, ठीक है जी, तो हमारे पास एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट है। अब इसकी जो पीएच होती है वो हमारे पास आती है 4.74 आती है। ठीक है जी, और यहाँ पर एक और उसने बता रखा है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो उसकी जो पीएच होती है वो होती है 3.83 समथिंग होती है। ठीक है जी, तो इस तरह डिफरेंट सॉल्यूशन जो है, डिफरेंट बफर सॉल्यूशन की पीएच जो है वो डिफरेंट होती है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जो बफर है, बफर सॉल्यूशन जो है उसकी पीएच आएगी। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या करते हैं, पीएच जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल आपने करना क्या है, दोनों चीज़ों को आयनाइज करके और सिर्फ एसिड वाली चीज़ को हमने ले लेनी है और वहाँ पर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करके और पीएच जैसे हम पहले भी अक्सर मालूम करते हैं वैसे ही हमने मालूम करनी है। और यहाँ पर हमारे पास पीएच जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। और अगर साल्ट और एसिड को हम इक्वल कर देते हैं तो लॉग वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो, और जीरो हो जाएगी तो पीएच जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगी, पी के ए के। और पी के होता है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो मतलब उसकी वैल्यू जो है पहले से फिक्स होगी और हमें मालूम होगी, तो डेफिनेटली पीएच की वैल्यू जो है वो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह हम क्या करते हैं, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि बफर सॉल्यूशन जो है उसकी कैपेसिटी किस तरह हम मालूम करते हैं कि अगर उसके अंदर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसकी पीएच के अंदर कितना हद तक चेंज जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हमने देखना है। और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, वो छोटे से दो टॉपिक रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।